तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 1। ठीक है, उसमें भी लिखा है लेट एम ऑफ बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एम ऑफ बी इसकी मिनिमम वैल्यू है। एस बी वेरीज देन द रेंज ऑफ बी इज, तो एम ऑफ बी का रेंज निकालना है। तो पहले मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक, तो मिनिमम वैल्यू कहां ऑकर करती है? इट ऑकर्स एट वर्टेक्स। और मिनिमम वैल्यू होती कितनी है? मिनिमम वैल्यू, ये पैराबोला अपवर्ड होगा बिकॉज 1 प्लस बी स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर। सो मिनिमम वैल्यू विल बी एट माइनस बी बाई टू ए। और वैल्यू क्या होगी? दैट इज माइनस डी बाई फोर ए। या तो याद हो माइनस डी बाई फोर ए उससे कर लो, या फिर क्या करो बस वर्टेक्स निकाल लो उसको इसमें रख दो, तो तुम्हें वाई मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पहले इसका वर्टेक्स निकाल रहे हैं। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स इज माइनस ऑफ बी, बी हियर इज 2b डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, ए हियर इज 1 प्लस बी स्क्वायर। तो ये तो मेरा वर्टेक्स आ गया, दैट इज माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं इसमें रख देता हूं वाई में, तो आई विल गेट द वैल्यू, दिस इज द एक्स वैल्यू बट आई वॉन्ट वाई ना, तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू कितना आएगा इस x पे, तो इसको रखोगे तो 1 प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2bx, तो माइनस 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। हाँ, अब देखो, अब हमारा क्या आ गया? ये m ऑफ b आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये गया एक से एक ये कैंसिल, तो ये आया b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। और एलसीएम लिया तो इधर क्या लिखूंगा? प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस बी स्क्वायर। दिस इज व्हाट माय m ऑफ b, उसने मैंने इसी को बोला था m ऑफ b इज व्हाट माय मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट थिंग, तो m ऑफ b। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो देखो b स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट आउट डिनोमिनेटर में यू विल लेफ्ट आउट विद 1 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर 1 प्लस बी स्क्वायर। तो बस इसका रेंज निकालना है हमें। ये तो बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा कैसे है? इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो क्वाड्रेटिक, मतलब वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है ना, फिर बी में क्वाड्रेटिक बनाएगा उसका, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का? हम बेसिक इसे करते हैं, जैसे बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कहां से कहां जाएगा? 0 को क्लोज से इंफिनिटी। तो 1 प्लस बी स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? 1 क्लोज से इंफिनिटी। इसका रेसिप्रोकल दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर कहां से कहां जाएगा? इंफिनिटी का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1, तो 0 क्लोज से 0 ओपन से 1 क्लोज। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्टींथ वन, उसने क्या दे रखा है? फिफ्टींथ वन में एफ एक्स, दिस इज फ्रॉम आईआईटी स्क्रीनिंग, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टेन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और एक और कंडीशन दे रखी है कि अल्फा जो है दैट बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, अच्छा, और ठीक है, x greater than 0 दे रखा है, और फिर बोल रखा है कि value of fx is greater than or equals to, तो मतलब fx की minimum value निकालनी है। तो दिख रहा है क्या करें, variability जो है इसमें alpha तो constant है, ठीक है ना, this is alpha belongs to 0 to pi by 2, तो x is a variable, variability denominator में है इसमें और इसमें numerator में है। तो याद है मैंने क्या बताया था, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस AMGM की हेल्प लेंगे हम। तो दिस प्लस दिस, मैं इधर ही कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखना, this plus this divided by 2, that is am of these two number greater than equals to, in dono ka product which is 10 square alpha iski power half, to ye kya aa gaya, ye 2 idhar chala gaya aur ye kitna hai 2 tan alpha, to 2 tan alpha, aur ye to pucha tha iski minimum value that is 2 tan alpha, theek hai, amgm se ho gaya ye hamara, nahi to isko without amgm bhi kar sakte hain वैसे तो, इसमें से क्या किया मैंने tan alpha common ले लिया, देखो इधर tan alpha, तो इधर क्या आएगा, देखो ध्यान से देखो, चलो एक और सॉल्यूशन बताता हूं तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन टेन अल्फा, और इधर क्या आया, टेन अल्फा अपॉन
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ध्यान से देखो, अगर ये मेरा वाई है तो ये क्या लिखा है, वन अपॉन वाई, तो वाई प्लस वन बाय वाई, और वेयर वाई इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी बिकॉज टेन अल्फा जीरो टू पाई बाय अल्फा जीरो से पाई बाय टू है, तो ये पॉजिटिव है और अंडर रूट रूट ऑफ एनीथिंग इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इसका सम पता है, अगर वाई पॉजिटिव है तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, और टू किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, टेन अल्फा से, तो ओवरऑल दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू टेन अल्फा, तो दोनों तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ दिस, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है हमारा, आसान से मेरा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अच्छा देखो इसको भी हम ना, चलो एक काम करते हैं, इसको दो तरीके से, एक तरीका तो वही है क्या, इस टर्म को उधर लेके जाओ, चलो इसको दो तरीके से बताता हूं मैं, ठीक है। मैंने बोला कि एक तरीका तो क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, क्या करते हैं इसको इधर लेके जाओ, एक्स में क्वाड्रेटिक सारे टर्म एक तरफ लेके आओ, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाओ, फिर क्या करते हैं उसका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बिकॉज एक्स इज रियल, उससे बाहर में एक इनइक्वालिटी आता है और वही मेरा सॉल्यूशन होता है, तो उसको मैं प्रॉप, चलो कर लेते हैं एक बार, इक्वेशन लिख देता हूं, बट एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो एक्स में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो मैं ये आया एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस वन प्लस एक्स इंटू वाई माइनस वन, ये वाला एक्स भी है, प्लस y माइनस टू इक्वल टू जीरो, नाउ सिंस x इज रियल तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो, तो y माइनस वन का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स y माइनस वन इंटू वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सिंपल इनइक्वालिटी बनी, क्या बनी, y माइनस वन कॉमन ले लो, y माइनस वन कॉमन ले लिया तो ये बचा y माइनस वन माइनस फोर वाई, ये वाला कैंसिल चला गया, प्लस एट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो y माइनस फोर वाई माइनस थ्री बाय, तो ये माइनस थ्री बाय हो गया, माइनस थ्री बाय माइनस वन लिखा था तो ये प्लस सेवन हो गया। अब क्या करें, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए y को इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो दिस विल बी y माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस सेवन लेस देन इक्वल टू जीरो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब क्या करते हैं, रूट्स को प्लॉट करते हैं, तो इधर सेवन बाय थ्री इधर से वन, तो वन सेवन बाय थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो है, तो हमारा ये वाला इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर का आंसर। मैंने दूसरा अप्रोच क्या बताया, देखना ध्यान से बोल रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से, ये तो आई होप मैक्सिमम बच्चों ने इसी मेथड से किया होगा। एक और तरीका क्या है कि ध्यान से देखिए, हम इतना वेरिएबिलिटी पार्ट सेम है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यही चीज न्यूमरेटर बना रहा हूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, फिर इसको मैं सेपरेट कर रहा हूं इतने पार्ट को और इसको, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम बेसिक मैनिपुलेशन से करेंगे, हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज पहले देख लेते हैं। मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन की रेंज देख रहे हैं पहले हम, तो दिस इज अ पैराबोला, बहुत स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये हमारे, ठीक है ना, जिसके रूट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आता है, तो वर्टेक्स क्या है माइनस हाफ पे, व्हेन यू पुट माइनस हाफ यू विल गेट थ्री बाय फोर, ये एकदम रटा हुआ होना चाहिए इसके बारे में, तो 3 by 4, तो ये हमारा पैराबोला ऐसा है, तो इसकी रेंज क्या है 3 by 4 क्लोज से इंफिनिटी। मैंने बोला x square plus x plus 1 will go from 3 by 4 क्लोज से इंफिनिटी, फिर मुझे क्या चाहिए इसका रेसिप्रोकल, तो 1 upon x square plus x plus 1 that will go from इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 3 by 4 का 4 by 3, और 4 by 3 पे क्लोज है। अब क्या करो उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड कर देते, 1 plus this quantity क्या हो जाएगा, वन से वन प्लस दिस सेवन बाय थ्री, तो यू सी ऐसे भी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने जब डिस्कशन किया था, देखो ये तो प्रॉपर मेथड है, इससे तुम्हारा इधर ओपन आया, एक काम करना, उसमें तुमने अपन ने वो नहीं किया कि एक्स स्क्वायर का हमने क्वाड्रेटिक मान के किया ना, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर हो सकता है क्वाड्रेटिक हो भी ना, इसका मतलब हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता था उसको जीरो करके देखते थे, तो जैसे इससे पहले वाले मेथड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इधर से वाई इधर से माइनस वन, तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू वन आया, ठीक है। अब वाई इज इक्वल टू वन हम क्या करते हैं, इसमें रख के देखते हैं वाई इज इक्वल टू वन, तो वाई इज इक्वल टू वन अगर रख के देखोगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, टू इज इक्वल टू वन आएगा, इसका मतलब वाई इज इक्वल टू वन इज नॉट ऑब्टेनेबल, इसलिए उधर क्या करना, तो वाई पे ओपन लगा देना,
समझ में आया ये चीज, मैं दो पॉइंट लिखवाया था, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व करते हैं उसका रेंज निकालते हैं, तो y स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको जीरो करके देखते हैं, क्योंकि हमने जो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया बेसिकली वो एनालिसिस कब वर्क कर रहा है, दैट इज फॉर क्वाड्रेटिक। अब ये भी तो हो सकता है क्वाड्रेटिक ही ना हो, क्वाड्रेटिक कब नहीं होगा, व्हेन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज जीरो, दैट इज y इक्वल टू 1। तो हमने देख लिया, अलग से देख लिया कि y इक्वल टू 1 ऑब्टेनेबल है या नहीं। हाँ, अगर मान लो इधर से मेरे को एक वैल्यू मिल जाती x की, तो हम बोलते हैं y इक्वल टू 1 इज ऑब्टेनेबल। क्लियर है, ये सब डिटेल डिस्कशन हमारा लेक्चर्स में हुआ है। चलो, तो इसमें हमने दो मेथड देख लिया होगा, सेकंड मेथड बेस्ट है इसमें, जो सेकंड मेथड किया है ना दैट इज बेस्ट, ठीक है ना, बहुत सिंपल भी हो गया। चलो, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और मेरा जी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन जी ऑफ एफ एक्स विल बी इन्वर्टेबल फॉर द डोमेन। जी ऑफ एफ एक्स क्या होना चाहिए, इन्वर्टेबल होना चाहिए फॉर द डोमेन, और डोमेन पूछा है क्या लें, ठीक है। तो देखो, पहले हम जी ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स एक्स जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां एफ एक्स रख देते हैं, तो जी इधर एक्स है तो इसकी जगह एफ एक्स रखो तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर माइनस वन, तो इधर से क्या आ गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन प्लस टू साइन एक्स कॉस एक्स, और माइनस वन ये है इससे कैंसिल, तो दिस इज नथिंग बट साइन टू एक्स। तो मेरा बेसिकली जी ऑफ एफ एक्स क्या आया, साइन टू एक्स, सिंपल फंक्शन है। अब देख लो साइन टू एक्स मेरा इन्वर्टेबल किस डोमेन में होगा, तो साइन टू एक्स का ग्राफ बना लेते हैं, साइन टू एक्स का और साइन एक्स में क्या डिफरेंस होगा, अब इसका इंटरवल पाई हो जाएगा, अब इसका इंटरवल पाई हो जाएगा, सो ग्राफ का सेप तो वही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, बट मेरा अब ये जीरो हो जाएगा, ये पैसे पाई होता था ये पाई बाई टू हो जाएगा, और ये मेरा ये वाला मेरा माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, दिस विल बी पाई बाय माइनस पाई बाय फोर एंड दिस विल बी पाई बाय फोर। सो यू कैन सी यहां से यहां तक ये जो मैं देखना शेड जो कर रहा हूं इस रेंज में ग्राफ क्या है मेरा वन वन है, ठीक है ना, एंड ऑन टू है, तो मेरा क्या हो जाएगा इन्वर्टेबल, तो आंसर विल बी माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय, यू कैन सी द अदर ऑप्शन आल्सो दैट विल नॉट वेरी सेटिस्फाइड। और ऐसा नहीं कि उसने डोमेन बोला है तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस, मान लो उसने ऑप्शन में एक जैसे एक ऑप्शन दिया है इसने माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, विच इज करेक्ट, ये पाई बाय फोर है, ठीक है ना, दिस इज पाई बाय फोर, तो इसमें करेक्ट है, तो अगर मान लो जीरो से पाई बाय फोर होता उसमें भी मेरा इन्वर्टेबल होता, सॉरी इन्वर्टेबल नहीं होता, द रीजन इज सॉरी वन वन तो हो जाता लेकिन माउंट टू नहीं हो पाता, ठीक है ना। चलो, तो आंसर करेक्ट आंसर इज माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर, ठीक। मल्टीपल ऑप्शन ऐसे हो सकते थे कि ये साइकिल के बाद दूसरी साइकिल का पार्ट दे देता डोमेन का, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसी के पार्ट दे देता, भले जैसे ये पाई बाय फोर है, जैसे देखो ये थ्री पाई बाय फोर है तो मेरा ये वाला पार्ट दे देता, तो ये कहां आएगा पाई बाय फोर से ये थ्री पाई बाय फोर, तो अगर क्वेश्चन में पाई बाय फोर से थ्री पाई बाय फोर होता तो भी मेरा करेक्ट होता, ठीक है। सो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शन बट आंसर हियर इट इज आंसर इज बी, ठीक है बच्चों। चलो, अब आते हैं 18th क्वेश्चन पे। 18th थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, 18th मेरा एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत इसके लिए तो हमें आनी चाहिए, एटलीस्ट स्टैंडर्ड एंगल्स के साइन एंड कोसाइंस। तो देखो इसमें क्या लिखा है, टू साइन टी इज इक्वल टू वन माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। और फिर मुझे बोला था फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच टू साइन टी इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो अब सुनना ध्यान से, अब हम क्या करें, लेट से मैंने ये वाई मान लिया, ये वाई मान लिया, अब वाई की रेंज निकाल लेता हूं उसको, फिर मैं टू साइन टी के बराबर कर दूंगा, उधर से मेरा टी आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इसको सॉल्व किया, तो चलो करते हैं इसको, वन माइनस टू एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ये इधर आएगा ना, इधर आएगा पैकेट, एक मिनट, इधर लिखा है ना थ्री वाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई, करेक्ट है। अब सारे टर्म्स को एक साइड लेके आए, तो देखो एक काम करते उस साइड लेके जा रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, इधर से थ्री वाई और इधर से माइनस फाइव उधर जाके, तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। अब एक्स का कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, तो एक्स का कोएफिशिएंट इधर इधर ये वाला टर्म उधर जाके टू हो जाएगा और ये माइनस टू वाई, तो ये टर्म यूज हो गया, ये टर्म यूज हो गया, फिर ये वन और ये माइनस वाई, तो माइनस टाइम्स वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करो, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कर दो इसका,
ऐसे निकालते हैं इसका रेंज। तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करोगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा। तो इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं, फोर टाइम्स वन माइनस बाय का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस करूंगा तो ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस ए सी, तो थ्री वाई माइनस फाइव इंटू वाई प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो पहले तो फोर को गायब कर दिया, ये फोर गायब हो गया, ठीक है। अब देखना, अब मैंने इसको ओपन किया तो वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस, अब ये थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर, फिर थ्री थ्री प्लस थ्री वाई प्लस थ्री वाई माइनस फाइव वाई माइनस फाइव वाई, और इधर अच्छा माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो फाइनली वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई थ्री वाई स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर और थ्री वाई माइनस टू वाई 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 माइनस फाइव बाय माइनस फोर बाय माइनस फोर बाय और वन माइनस फाइव माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो देखो अब हमारा इधर से क्या बचा, फोर कॉमन लेके जीरो के पास भेज दिया, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो वाई की पहले मैंने रूट्स निकाले क्या क्या आ रहे हैं, तो वाई विल बी देखो इधर वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन प्लस फोर दैट इज फाइव बाय टू, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है इसका मतलब आउटसाइड, तो एक तो मेरा वन माइनस रूट फाइव बाय टू दे रखा है और एक दे रखा है वन प्लस रूट फाइव बाय टू। ग्रेटर देन मतलब ये वाला रीजन, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये वाला रीजन। अब ये मेरा वाई आ गया, अब वाई मेरा था क्या बेसिकली टू साइन टी, तो बेसिकली हमें क्या सॉल्व करना है, टू साइन टी जो है दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू वन माइनस रूट फाइव बाय टू, और ऑल्सो ऑल्सो मतलब और ये भी सोल्यूशन है ये भी सोल्यूशन है, मैंने कहा या फिर टू साइन टी, टू साइन टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव बाय टू। तो मैं टू को इधर लेके आ रहा हूं, ये टू आ गया इधर, ये टू इधर आ गया। अब ये हमें स्टैंडर्ड पता होना चाहिए वन माइनस रूट फाइव और वन प्लस रूट फाइव बाय फोर। तो साइन 18 डिग्री क्या होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, साइन 18 डिग्री रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, और साइन और कॉस 36, कॉस 36 इज वॉट रूट फाइव प्लस वन बाय फोर। अच्छा कॉस 36 मतलब 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 54, ठीक है। और साइन 54 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 3 टाइम्स 18 डिग्री, और 18 डिग्री क्या है पाई बाय 10, तो बेसिकली ये साइन ऑफ 3 पाई बाय 4 लिखा है। तो इससे क्या आएगा, टी जो मेरा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 3 पाई बाय 4 से बड़ा होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स गिवन है माइनस पाई बाय 2 से छोटा, तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, टी मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये तो बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्ट किया है, और ये हमारा आया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। तो ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस। सिंपल इससे भी निकाल लो, इससे क्या लिख सकते हैं माइनस टाइम्स करके लिख सकते हैं, माइनस ऑफ रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस पाई बाय 10, तो आंसर इसके इससे क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके माइनस पाई बाय 10। आई होप क्लियर हो गया होगा, सो दिस इज गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये आईआईटी में आ चुका है पहले, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए, एक तो इसमें रेंज वाला पार्ट भी यूज हो गया, प्लस ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है उनके करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यूज वो भी तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, प्लस स्ट्राइक नहीं करता जैसे अभी देखा हमने 54 डिग्री, तो इसको याद रखो कि 54 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई दैट इज 3 पाई बाय 10, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। अब आते हैं हम 19th पे, fx दिया है मेरा x स्क्वायर और gx दे रखा है मेरा sin x, ठीक है। अच्छा फिर बोला है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, अब एक बड़ा सा फंक्शन देख रखा है वो लिख लेते हैं पहले, f ऑफ g ऑफ f दिस इज इक्वल टू g g f, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे निकालना है fx इक्वल टू दिस The set of values of x satisfying this, ठीक है। तो पहले हम ये composite functions निकाल लेते हैं, तो ये four times है, तो सबसे पहले start कैसे करें, हम f से start करते हैं, f of g क्या होगा, f के अंदर g रख देते हैं, तो इसके अंदर g रखूंगा x के आगे, तो क्या जाएगा sin square x। देखो एक बार, जहां जहां f में x था उसकी जगह मैंने gx रख दिया, अब मुझे इधर क्या चाहिए, दोबारा g चाहिए, तो मैंने f of g, अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां x है, इधर x था ना बेसिकली, इधर x लिखा हुआ है, x के आगे g रख दिया दोबारा, तो इधर g रखूंगा तो क्या आ जाएगा sin square of sin x,
फिर निकाला एफ ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एफ। अब मेरा एक्स जहां जहां है वहां मैंने एफ एक्स रख दिया, और एफ एक्स क्या, एक्स स्क्वायर। तो फाइनली दिस कंपोजिट फंक्शन इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? एक हमारा ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं ये किसके बराबर है, जी ऑफ एफ के बराबर। तो पहले जी ऑफ एफ निकाल लेते हैं, जी ऑफ जी कितना हो जाएगा, इसी के अंदर साइन डालना है, तो साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। अब जी ऑफ एफ क्या होगा मेरा, जहां जी यहां जहां जहां एक्स है वहां रख दिया, तो एक्स स्क्वायर रखना है, एक्स चाहिए, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है? इसने बोला ये दोनों बराबर है, तो मैं इसको रब करके लिख रहा हूं, देखना उसने क्या बोला है कि ये दोनों बराबर है, किस एक्स के लिए वो निकालना है। तो हमारी इक्वेशन बनी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा अभी तक बना। अब दिख रहा है दोनों फैक्टर सेम लिखे थे, स्क्वायर लिखा है, बस एक कॉमन ले लेते हैं। तो मैंने कहा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो इधर आया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा, या तो ये जीरो या ये जीरो, तो इसको जीरो करते हैं, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू एन पाई, बट एन पाई तो लिख रहा हूं मैं, लेकिन एन की वैल्यू केवल और केवल जीरो एक्सेप्टेबल है। द रीजन इज अगर तुमने एन की वैल्यू वन ली तो पाई हो जाएगा, मुझे पता है साइन ऑफ समथिंग तो माइनस वन और वन के बीच में होता है। मैंने कहा कि अगर मान लो तुमने ऐसे लिख भी लिया माइनस टू पाई माइनस पाई जीरो पाई टू पाई एंड सो ऑन, ठीक है, बट मैं बोल रहा हूं ये नहीं हो सकता माइनस टू पाई। द रीजन इज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ वैल्यू माइनस वन से वन, बट माइनस टू पाई तो उसके बाहर है ना, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पाई भी नहीं हो सकता, टू पाई भी नहीं हो सकता, और आगे तो बात करने की मतलब ही नहीं बनता। तो फाइनली दिस इंप्लाइज व्हाट, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर दिस शुड बी जीरो। क्लियर है? अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो है तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन पाई। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एन के वैल्यू कुछ भी रखो क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका रेंज तो क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी होता है, तो मेरा एक्स विल बी नथिंग बट प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आया? तो ये तो अभी मेरा इससे आया, अब इसको और करते हैं। तो इसको करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब साइन थीटा वन कब होता है मेरा, साइन थीटा मेरा वन कब होता है, इस पॉइंट पे या फिर दोबारा इस पॉइंट पे, तो 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2n पाई प्लस पाई बाय 2। अगेन अब क्या होगा, हमें अगेन हम n की कोई वैल्यू ले सकते हैं क्या, जैसे मैंने n की वैल्यू जीरो ली तो पाई बाय 2 आ जाएगा, तो पाई बाय 2 इज नॉट इन द इंटरवल माइनस 1 टू 1, तो n इज इक्वल टू 0 भी एक्सेप्टेबल नहीं है, n इज इक्वल टू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। द रीजन इज n इक्वल टू 0 रखने पे तो पाई बाय 2 आ रहा है, और साइन ऑफ समथिंग पाई बाय 2 हो सकता है क्या, नहीं, साइन एक्स तो साइन ऑफ समथिंग तो कहां से कहां लाइक करता है, माइनस वन से वन के बीच में ना, और फिर माइनस वन और एन इज इक्वल टू वन लोगे तो और ज्यादा क्रॉस करके टू पाई प्लस पाई, तो इसके बाद तो ले नहीं सकते, नेगेटिव में लोगे तो भी नहीं ले सकते, बिकॉज माइनस टू पाई प्लस पाई बाई टू माइनस थ्री पाई बाई टू आ जाएगा, विच इज नॉट इन द इंटरवल माइनस वन टू वन, तो इधर से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। तो फाइनल आंसर इज दिस ओनली। क्लियर है? तो दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव से तो आ ही जाएगा ये, बट हमें सब्जेक्टिव अप्रोच भी आना चाहिए, ठीक है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन से इसमें जो अच्छे भी थे, द रीजन इज इजी बोल सकता हूं मैं उनको कुछ कुछ को बिकॉज ऑफ ऑप्शंस। अगर मैं बोलूं कि सब्जेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे, द फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम दिस इज डैश। तो देखो 0.3 ये भी एक ठीक क्वेश्चन है, से लेके 1.29, ठीक है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, ठीक है, इज 1 1 ऑन टू क्या क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। चलो देखो, तो डेफिनेटली क्या करें हम इसको, पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर देख लेते हैं इसका, तो उसके लिए हमने डेरिवेटिव निकाला, तो एफ डैश एक्स कितना है मेरा 6x² माइनस 30x प्लस 36, 6 कॉमन लिया तो यू गेट x² माइनस 5x प्लस 6, तो 2 और 3 दिख रहा है इसके रूट्स, तो दिस इज कैन बी रिटन एज x माइनस 2 इनटू x माइनस 3, ठीक है। अब मैंने f(x) का साइन देखा, तो साइन तो चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव, बस आप देख लेते किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली ये,
द रीजन इज, ये सब चीज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर फंक्शंस का डिटेल में, बट अभी के नॉलेज से भी तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुतों ने किया भी होगा, होप। अब देखो इधर ये टू है, ये थ्री है, देखना मैं नेचर कैसे लिख रहा हूं, इसको ये हटा रहा हूं, अरे एक मिनट की जरूरत पड़ जाएगी मुझे, चलो ठीक है दोबारा लिख लेंगे, इसको मैं दोबारा लिख लूंगा अभी। टू से पहले क्या होगा, ये पॉजिटिव, ऐसा होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, इसका मतलब टू से पहले मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, टू पे डिक्रीज कर रहा है, तो देखो टू सॉरी इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है ना, तो लेट्स से यहां कोई तो वैल्यू है स्पेस में मैंने मान ली ऐसी, तो मेरा क्या सिनेरियो होगा, एक तो ऐसा ये इंक्रीज करता जाएगा टू तक, फिर टू के बाद डिक्रीजिंग है, फिर टू के बाद डिक्रीज करना चलेगा, करता जाएगा, फिर थ्री पे दोबारा बढ़ेगा, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो नेचर होगा ग्राफ का, जीरो से टू पॉजिटिव आ रहा है एफ, मतलब इंक्रीज करेगा, टू से थ्री नेगेटिव आ रहा है मतलब डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब मैं इसका तो देखो, अब कहने का मतलब जीरो से लेके थ्री के बीच में, पहले हम वन वन हटा देते हैं, जीरो मेरा क्या है, जीरो मेरा इधर कहीं आएगा, तो जीरो से लेके थ्री में यू कैन सी कि इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो देयर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच विल कट एट टू पॉइंट्स, हेंस द फंक्शन इज मैनी वन, क्लियर है, ग्राफिकल समझ में आया, द फंक्शन इज मैनी वन कैसे आया। अब आते हैं ऑन टू इन टू पे, तो अब देखो अब क्या है कि अब मैं पहले एक्सप्रेशन लिख लेता हूं fx का, क्योंकि मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी ये 0 और 3 के बीच में, तो मैं एक बार एक्सप्रेशन दोबारा लिख रहा हूं fx का, 2x जस्ट होल्ड ऑन, तो देखो 2x क्यू माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, दिस इज माई fx। तो मैंने क्या किया, जीरो रख के देखा इसमें क्या आ रहा है, बिकॉज जीरो इज अ पार्ट ऑफ डोमेन, तो व्हेन यू विल पुट जीरो यू विल गेट वन, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वन मिल रहा है, करेक्ट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सुनना, अब क्या है कि अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, देखो इधर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है इधर डिक्रीज कर रहा है, तो मैक्सिमम अगर आएगी इसकी, देखो फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब जीरो से लेट्स से इसने यहां से स्टार्ट किया दिस इज वन, ठीक है। अब देखना, एक्चुअली मैं इसको वन को भी अभी नहीं बोलूंगा, सुनना देखना ध्यान से, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देना। देखो ये पक्की बात है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू टू पे आएगी, इज इट करेक्ट, क्योंकि देखो यहां से इंक्रीज कर रहा है बढ़ता जाएगा, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, उसका डिक्रीज करता जा रहा है, थ्री तक डिक्रीज ही किया है, मुझे थ्री तक ही देखना है, तो ये तो पक्का है कि एक्स इज इक्वल टू टू पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, प्लस फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दो बात पक्की है। अब मैंने बोला एक्स इज इक्वल टू टू रख के देख लिया, एक बार एक्स इज इक्वल टू टू रखोगे तो क्या आया, वाई विल बी 2 into 8 minus 2 to the 4, 4 is the 60 plus 72 plus 1, तो ये हो गया 12, 12 और 28, सॉरी ये 16 है, 16, 18, 29, तो 29 आया मेरा। अभी रुकना, ये तो मेरा मैक्स हो गया 100%, दिस इज मैक्सिमम, बट एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करके बताओ क्या मेरा मिनिमम वैल्यू, मैं बोल दू डायरेक्टली 1 है, कैन आई से द मिनिमम वैल्यू इज 1, तो आंसर मिलेगा नहीं। द रीजन इज इधर से इंक्रीज कर रहा है, तो इधर दो सिनेरियो हो सकते हैं, देखो एक तो जो मैंने बनाया अभी, और एक और सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये डिक्रीज तो करे बट डिक्रीज करते करते यहां से मुड़ जाए, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इधर से, मतलब सॉरी ये गलत बनाया, ऐसा इट इज समथिंग लाइक दिस, नॉट ऑल्सो इधर एक कम कर, दोबारा बना रहा हूं मैं इसको, मैं क्या बताना चाह रहा हूं वो क्लियर होना चाहिए, ये था हमारा जीरो, अच्छा एक मिनट रुको, पहले हमारा इधर था वन टू और थ्री, सॉरी टू और थ्री, फिर मैंने बोला टू तक तो पॉजिटिव है, तो देखो यहां से मेरा फंक्शन चालू हुआ, फिर डिक्रीज करना चालू करेगा, एक तो सिनेरियो ये हो सकता है कि जो मेरा एक्चुअली आंसर आने वाला है दिस इज द फेवरेबल वन, क्योंकि ये देखो ये वाली जो लाइन है ये इससे कम है, ठीक है, एक तो ये सिनेरियो। अब एक दूसरे कलर से बना रहा हूं मैं, देखना मैंने बोला एक सिनेरियो और क्या हो सकता है, देखो ध्यान से, लेट्स सी ये तो मेरा वन था ही, ठीक है, अब देखना, सॉरी मैंने गलत बना दिया है, हाँ ठीक है चलो, इसको मैं वन मान रहा हूं, ठीक है, दिस इज जीरो, तो देखो
मैंने क्या बोला, हम f ऑफ जीरो को मिनिमम नहीं बोलेंगे। द रीजन इज ये हो सकता है ग्राफ जो हो ना इधर और ज्यादा डिक्रीज हो, कहने का मतलब ऐसे गया पीक पे उसके बाद ऐसा सिनेरियो हो रहा, तब हमारा ये मिनिमम हो जाएगा f ऑफ 3। तो मिनिमम वैल्यू के लिए तो मुझे दोनों वैल्यू चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी छोटी आ रही है। समझ में आया? द रीजन इज जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि f ऑफ 0 भी मिनिमम हो सकता है, f ऑफ 3 भी मिनिमम हो सकता है, दो हमें दोनों निकाल के देखना पड़ेगा। तो हमने तुम लोग f ऑफ 3 निकालना तो नहीं आएगा, तो मतलब f ऑफ 0 इज द मिनिमम, मैक्सिमम का पक्का है वो 2 पे ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारे होते हैं इंटीजर टाइप शुरू। नाउ वी विल स्टार्ट विद द इंटीजर टाइप डिस्कशन। तो देखो पहला क्वेश्चन 21, तो अगेन मैं नहीं कर रहा हूं उसको सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने पहले शीट में इस टाइप के क्वेश्चन किए। क्या करते हैं एनसीआर में, मैं कंडीशन लिख रहा हूं, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, r इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू r, और n कॉमा r बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स इट। इन चारों से इंटरसेक्शन निकाल लेना तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन, तो वही उस जो जितने वैल्यूज आएंगी दैट इज माय आंसर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी इस टाइप के बहुत किए हुए हैं हमने, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस वन। हाँ, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा इससे जो पहले किया था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजिकल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो क्या आता है हमारा फंक्शन, क्या आता है, वाई इजिकल टू ए की पावर एक्स, और ए निकालने के लिए उसने दे रखा एफ ऑफ वन इज टू, तो टू इज इक्वल टू ए की पावर वन, तो ए इज इक्वल टू टू आया, तो फाइनली फंक्शन इज टू की पावर एक्स। बस अब उसमें रख दो सिग्मा में, तो एफ ऑफ ए प्लस के क्या हो जाएगा, a प्लस वन हो जाएगा, k की जगह 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस वन, प्लस फिर k की जगह 2 रखूंगा a प्लस वन, नॉट x प्लस वन, दिस इज a प्लस वन, प्लस 2 की पावर a प्लस टू एंड सो ऑन, इट विल गो टिल 2 की पावर a प्लस n। फाइंड नेचुरल नंबर a फॉर विच दिस इज इक्वल टू, हाँ इसने दे दिया कि दिस इज 16 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जीपीए अगेन, तो पहले 2 की पावर ए कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब एंड सो ऑन, 2 की पावर एन इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 की पावर एन माइनस 1, दिस इज एन, ठीक है ना, एच नहीं है एन है, तो दिस इज अ जीपी, तो 2 की पावर ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 मतलब 1 इज इक्वल टू 16 टाइम्स 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 2 की पावर n माइनस 1 कैंसिल, ये 2 ये कितने टाइम गया 8 टाइम, तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 8, तो a कितना आया 3। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ऑन जीपी, तो दोनों चीज हो गई, जीपी भी हो गया और हमारा फंक्शनल रूल भी हो गया। तो अब तुम्हारा कभी एग्जाम में आगे चल के कभी भी इस टाइप का फंक्शनल रूल आए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो कभी भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रूफ हम देखेंगे डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन में उधर होता है, डिफरेंशिएशन का एक मेथड होता है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एब इनिशियो मेथड बोलते हैं, उससे वी विल डिस्कस दिस, इसका प्रूफ। अब आते हैं हम 23 क्वेश्चन पे, विच इज द गुड क्वेश्चन, मतलब इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है ना, मुझे बताना किस किसने करेक्ट किया था ये, ठीक है ना, किस किसने करेक्ट किया था मुझे बताना व्हाट्सएप पे, 23 स्पेशली। चलो, तो सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग 3 by x plus greatest integer of 4 by x is equal to 5. सुनना ध्यान से, और दिस belongs to the interval a comma b by c पे क्लोज, ए बी सी नेचुरल नंबर्स है और b by c इज द लोएस्ट फॉर्म, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी सी। चलो इसको करते हैं हम डिस्कस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो क्या किया सबसे पहले, देखो सबसे पहले मैंने 1 बाय एक्स को टी रखा सो दैट ये डिनोमिनेटर में ना रहे, क्योंकि न्यूमिनेटर में रहता है तो थोड़ा सा ठीक लगता है एक्सप्रेशन, बाद में जो भी टी की रेंज आएगी उससे हम 1 बाय एक्स उल्टा कर देंगे उसका, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैंने ये एक्सप्रेशन मेरा किसमें कन्वर्ट हो गया, 3t प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4t इक्वल्स टू 5। वो जब टी की वैल्यू निकालनी है, एक बार टी आ गया तो फिर एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स और टी में रिलेशन ये है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो, अब मैंने तुमसे बोला क्या टी नेगेटिव हो सकता है, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये भी नेगेटिव हो जाएगा ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन 5 तो नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट है, तो
तो अब एक चीज और मैंने आज जैसे ड्यूरिंग द पेपर एक डिस्कशन भी मैंने बोला था, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो यू शुड ब्रेक द डोमेन, ठीक है ना, यू शुड ब्रेक द डोमेन। अब इसमें डोमेन कैसे ब्रेक करें वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या किया, देखो अब हमने केसेस बनाए, इन दोनों का एडिशन 5 कब हो सकता है। तो देखो ऑल दो सारे केसेस से आंसर नहीं आएगा, उसमें से एक या दो ही जो भी होगा फेवरेबल होगा, बट मैं ऑल पॉसिबल बना रहा हूं, देखना समझाने के लिए। ये 0 हो ये 5 हो तब भी चलेगा। देखो नेगेटिव से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, बिकॉज नेगेटिव कब होगा, जब टी नेगेटिव होगा, और टी नेगेटिव हुआ तो दोनों ब्रैकेट ही नेगेटिव देंगे तो आउटपुट 5 तो नहीं आएगा, इसलिए आई एम नॉट स्टार्टिंग विद माय नेगेटिव। ये 0 हो ये 5 हो, ये 1 हो ये 4 हो, ये 2 हो ये 3 हो, ये 3 हो ये 2 हो, ये 4 हो ये 1 हो, ये 5 हो ये 0 हो, ये सारे पॉसिबल केसेस है, बनाया मैंने ऑल पॉसिबल, बट इतने नहीं बनेंगे। अब देखना, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना इस वाले को अगर ऐसा है तो मैंने बोला 3t का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 3t जो है दैट शुड बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, 0 क्लोज से 1 ओपन, हाँ कि ना, 3t बिलोंग्स टू 0 से, जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा तो इधर से मेरा t क्या आया, t बिलोंग्स टू 0 से 1/3। अभी मैं इसको आंसर नहीं बोलूंगा, बस इसी रेंज ऑफ टी के लिए हम 40 की रेंज देखेंगे, अगर या फिर उल्टा बोल दो, अब हमने 40 की 40 देखा 5 कब आएगा। देखो मैंने बोला एक तो ये हो गया मेरा, अब मैं बोल रहा हूं 40 मेरा 5 कब आएगा, व्हेन 40 बिलोंग्स टू 5 कब आएगा, 5 क्लोज से 6 ओपन हो, तो मेरा टी क्या आएगा, टी बिलोंग्स टू 5/4 ओपन से क्लोज से 3/2 ओपन। अब देखो ये टी और ये टी में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, दिस इज 0 क्लोज से 1/3, दिस इज 5/4 क्लोज से 3/2 ओपन, तो इसका मतलब ये वाला केस से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि पहला ब्रैकेट का आंसर 0 आए दूसरे ब्रैकेट का आंसर 5 आए, समझ में आया एक्सप्लेनेशन, या फिर इसको इस वाले पार्ट को जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन ऐसे किया, यू कैन डू द अदर वे ऑल्सो, कैसे, तुम बोल दो 0, 1/3 के लिए देख लेते हैं इस ब्रैकेट की रेंज क्या आ रही है, तो व्हेन 0 से 1 के बीच में दिस इस ये ब्रैकेट कहां से कहां जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी 0 से लेके 4/3, तो 0 से लेके 4/3 ये मेरा आउटपुट क्या देगा, 0 and 1, 5 तो नहीं देगा, हेंस रिजेक्टेड, बोथ वे यू कैन टेल। क्लियर हुआ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट्स में कॉपी करना ही है हर एक बच्चे को, ठीक है, जो भी सीरियस है, आई डोंट केयर अबाउट द अनसीरियस स्टूडेंट्स, ठीक है ना, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते कुछ लोग, उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, जो रेगुलर अपडेट दे रहे हैं मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं इस वाले केस पे, सिमिलरली दिस केस, अब 3t 1 के बराबर होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका, तो मतलब 3t कहां से कहां लाई करना चाहिए, 3t शुड बिलोंग्स टू 1 क्लोज से 2 ओपन, तो इधर से मेरा t कितना आया, 1/3 क्लोज से 2/3 ओपन। अब देख लेता हूं 40 जो है, 40 मेरा अगर 4 आ रहा है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 40 क्या होना चाहिए, 4 क्लोज से 5 ओपन, तो इधर से मेरा t क्या आना चाहिए, t बिलोंग्स टू 1, 5/4। अब देख लो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, hence ये भी हमारा गलत हो गया, ये तो गलत हो ही गया था, या फिर उल्टा बोल लो ऐसे, मैंने बोला इस इंटरवल ऑफ टी के लिए ये जो मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर 40 है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा है वो कहां से कहां जाएगा, तो 1/3 से के लिए हो गया 4/3, और 2/3 के लिए ये क्या हो गया, ये वाला रेंज ये हो गया 4/3 से इस इंटरवल ऑफ टी के लिए 8/3, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1, और क्या क्या आएगा, 2 आएगा, बट 4 तो नहीं आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं 2, 3 पे, ठीक है, तुम लोग कॉपी कर लेना, मैं इसको रब कर लूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। अब मैंने बोला 3t की वैल्यू 2 कब आएगी, व्हेन 3t बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 ओपन, तो इधर से t बिलोंग्स टू कितना आया, 2/3 क्लोज से 1 ओपन। अब हम इसका देख लेते हैं ये वाला 3, तो मैंने कहा 4t जो है दैट शुड बिलोंग्स टू 3 क्लोज से 4 ओपन, क्लियर है, 3 क्लोज से 4 ओपन होगा तो मेरा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 3 आएगा, तो इधर से t मेरा क्या आया, t बिलोंग्स टू 3/4 क्लोज से 1 ओपन। अब देख लो क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, हाँ अब कॉमन है, अब कॉमन है, इसका मतलब इन दोनों की हम कॉमन वैल्यूज देख लेते हैं, वो कॉमन वैल्यू पे क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट नहीं है 2 आएगा, विच इज रिक्वायर्ड। देखो ये वाला केस इज परफेक्ट, सिमिलरली व्हेन यू विल सी दी 3 केसेस ना, ये सब फेल हो जाएंगे ऑन द सेम लाइन, तुम लोग करना एक बार ट्राई, ठीक है ना, क्या करोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के बराबर करोगे तो 3t शुड लाई बिटवीन 3 क्लोज से 4 ओपन, उससे t की वैल्यू आएगी, उन t के लिए दूसरा वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 नहीं देगा, ठीक है ना,
तो हमारा फेवरेल कैसे ये आया, उसके लिए अब t की वैल्यू क्या आई, इन दोनों में कॉमन वैल्यूज मतलब इंटरसेक्शन, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बाय 3 से बना है या 3 बाय 4 से बना है, तो दिस इज द इंटरसेक्शन, क्योंकि 2 बाय 3 लेफ्ट में होगा, 3 बाय 4 राइट में होगा, तो दिस इज 0.75, दिस इज 0.66, तो फाइनल आंसर इज दिस, फाइनल आंसर मतलब t की वैल्यूज, बट मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है x की वैल्यूज ना, तो x की वैल्यू क्या, x इक्वल टू 1 बाय t है, तो मैंने बोला 1 बाय t क्या होगा, 1 बाय t शुड बिलोंग्स टू, उल्टा हो जाएगा ब्रैकेट 1 ओपन से 4 बाय 3 क्लोज, और यही हमें दे रखा था a कॉमा b बाय c, तो इससे कंपेयर करूं तो a कितना आया 1, b हियर इज 4 एंड c हियर इज 3, अब इसमें रख दो a प्लस b प्लस c, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 4 12, तो 8 प्लस 12 इज 20, क्लियर है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इवन इन एडवांस यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन, मतलब एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ऐसा नहीं एडवांस में इससे हार्ड आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हाँ, एफ डिफाइंड फ्रॉम आर टू ए, और ए का ये दे रखा है 0 टू पाई बाय 2, ठीक है ना, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 क्लोज से पाई बाय 2 ओपन, तो ए की जगह मैं हटा देता हूँ ये लिखा है, मतलब फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू दिस, ठीक है, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, वेयर के इज अ कांस्टेंट एंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ इज ऑन टू फंक्शन, वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ इज ऑन टू चाहिए मुझे, ठीक है, ऑन टू चाहिए, इसका मतलब इसका जो रेंज है वो ये आना चाहिए, इसका रेंज है ये आना चाहिए, अब मुझे बताया कि जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स है उसका एक्चुअली में अगर मैं पूरा ग्राफ देखूं तो इस टाइप का होता है, इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, बट मुझे इतना पार्ट ही चाहिए, इतना पार्ट चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसके लिए इतने पार्ट के लिए टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, जीरो से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से जीरो में तो ये वाली रेंज भी आ जाएगी, बट आई वॉन्ट दिस पार्ट ऑफ रेंज, तो इस टेन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट मतलब ये क्या होना चाहिए, दिस शुड गो फ्रॉम जीरो से इंफिनिटी एंड जीरो क्लोज से इंफिनिटी पूरा जाना चाहिए, तभी इसकी रेंज जीरो से पाई बाय टू आई, अब है क्या बेसिकली ये, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोला, अब मैंने बोला पैराबोला जीरो से इंफिनिटी आना चाहिए, तो मतलब इट शुड टच द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को टच करेगा तभी आउटपुट जीरो मिलेगा, एक्सिस को टच करेगा इसका मतलब इसका डी शुड बी जीरो, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इंटरलिंक करने के लिए, ठीक है, बाकी सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल हो जाएगा इसका, मतलब शॉर्ट सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था वो भी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बुरा है ये क्वेश्चन, बट इसमें सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा, सिंपली मैं इसका डी जीरो कर दूंगा, तो बी स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो के इज इक्वल टू 1 बाय 4, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, देखो अगर मान लो तुमने पैरा बोला इतना भी हो गया ना हमारा, ऐसा हो गया तो नहीं चलेगा, द रीजन इज इतना इनपुट छूट जाएगा ना मेरा, इतना इनपुट छूट जाएगा तो टेन इनवर्स का जो आउटपुट है, मुझे तो आउटपुट ये पूरा चाहिए, ये पूरा चाहिए, मान लो फिर तुम्हारा यहां से यहां तक आएगा ग्राफ, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो पाएगी ना, रेंज इस केस में कितनी होगी, यहां से लेके इंफिनिटी तक, बट मेरी ये वैल्यू छूट जाएंगी, आई वॉन्ट रेंज टू बी जीरो से पाई बाय टू, मतलब टेन इनवर्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो जीरो से इंफिनिटी जाना चाहिए, एंड वी नो दिस इज अ पैराबोला, इन्फिनिटी पे तो जाएगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जीरो बस हमें चाहिए, और जीरो से नेगेटिव भी नहीं चाहिए, इवन वी डोंट वांट नेगेटिव, तब तो फंक्शन ही नहीं होगा, बिकॉज रेंज कोडोमेन से पार हो जाएगी, वी वांट एग्जैक्टली जीरो से इन्फिनिटी, उसके लिए क्या होगा, दिस पैराबोला शुड टच द एक्स एक्सिस, आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन वो द सिंपल वन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है उसने, ग्रेटेस्ट एक सीरीज दी है, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट है, हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 1000 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाय 2 प्लस 2 बाय 1000 एंड सो ऑन प्लस डेट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 बाय 2 प्लस 999 अपॉन 1000, तो देखो इसमें क्या है,
देखो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इस क्वांटिटी का एडिशन क्या हो रहा है, दिस इज लेस देन वन, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, जीरो होगा। तो देखो कब तक मेरा ये जीरो होगा, देखना मैं लिख रहा हूं, इधर बीच में एक ब्रैकेट आएगा वन बाय टू प्लस लेट से मैंने लिखा 499 अपॉन 1000, इसके बाद एक नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा 1 बाय 2 प्लस 500 बाय 1000 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। तो देखो यहां तक सारे ब्रैकेट जीरो होंगे, क्यों, ये जो फ्रैक्शन है ये लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ में अगर हाफ ऐड करूंगा तो लेस देन 1 आएगा और लेस देन 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर है जीरो। तो अब मेरा यहां से काउंट चालू होगा एक्चुअल, द रीजन इज अब ये मेरा हाफ आ रहा है, हाफ प्लस हाफ 1 आ जाएगा, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 आ जाएगा, फिर इसमें 1 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसके बाद भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा एंड सो ऑन। और ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है दैट इज आल्सो 1 पॉइंट समथिंग, 1.5 से थोड़ा सा कम है, तो इसका मतलब जो लास्ट ब्रैकेट है इधर वो भी मेरा क्या आ रहा है 1 पॉइंट समथिंग। अब मेरे को देखने कितने ब्रैकेट है ये, तो देखो 500 से सीरीज स्टार्ट हुई, 500 से सीरीज स्टार्ट हुई और इट विल गो फ्रॉम टू टिल 999, तो बस नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे उतना मेरा आंसर होगा। द रीजन इज हर एक टर्म का आंसर, हर एक टर्म का जो वैल्यू है दैट इज 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 1, तो बस काउंट करना है, दिस विल बी 500, कोई लेगा 500 से इसके बीच में नंबर, तो देखो चलो इसके लिए मैंने एक लॉग में एक चीज बताया था, ए से लेके बी के, बी के बीच में नंबर कितने होते हैं, बी माइनस ए माइनस 1 बताया था मैंने, बोला ए और बी के बीच में नंबर कितने होते हैं, ऐसे होते हैं जैसे मैंने लिखा लेट से 2 और 5 के बीच में नंबर कितने हैं, तो 5 माइनस 2 माइनस 1 तो कितना आया 2 नंबर आए, और वो होंगे कौन से 3 और 4, तो वैसे मैंने बोला 500 और 999 के बीच में नंबर कितने होंगे, 999 माइनस 500, बट आई वॉन्ट दीज 2 नंबर ऑल्सो तो प्लस 2, सो दिस विल बी नथिंग बट हमारा 500 आ जाना चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ माइनस 1 तो किया ही नहीं ना, माइनस 1 प्लस 2, ये माइनस 1 मतलब क्या होता है, यहां तक माइनस 1 तक मतलब बीच के नंबर्स, और वी हैव टू इंक्लूड द एक्सट्रीम नंबर्स आल्सो, देयरफॉर प्लस 2, सो दिस विल बी 500। तो ये हो गया हमारा एंड अप ऑफ डिस्कशन, अगर अभी भी कोई को किसी क्वेश्चन में डाउट है या इफ यू वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चन विद मी अल्टरनेटिव अप्रोच वगैरह जो भी है व्हाट एवर काइंड ऑफ, सो फील फ्री टू आस्क और बताना, और एवरीवन शुड सेंड मी द स्कोर, ठीक है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस मच, आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम तो अपना स्कोर भेजो, कैसा भी स्कोर हो और आई होप अच्छा ही होगा, ठीक है ना, मॉडरेट है पेपर हमारा, ठीक है, ओके थैंक यू।